हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष टाटी। और आज का विषय गाइस, सपोर्टर क्रिकेटर्स कैसे पहनते, कैसे पहना जाए सपोर्टर को। और देखने में सोचने में ये बहुत मामूली सा लगता है टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक लगता है, इतना बेसिक टॉपिक लेने की ज़रूरत क्या थी ऐसा लगता है। बट ये इतना सिंपल भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसके पीछे कारण मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इससे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं ओवर द ईयर्स, और सपोर्टर एक्चुअल में कैसा पहनना चाहिए। तो आइए चले देखते हैं। पर्पस। तो सबसे पहले गाइज, मैं अभी जस्ट प्रैक्टिस के लिए रेडी हो गया हूँ। मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। जम से दो बजे मेरा प्रैक्टिस सेशन है। दोपहर में 2 से 7 प्रैक्टिस करने वाला हूँ, अराउंड 5-6 आवर्स के आसपास प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और प्रैक्टिस के बाद में जैसे जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मैचेस खेलते हो, जहाँ पे आप 10 घंटे ग्राउंड पे रहते हैं एटलीस्ट सवेरे। जनरली अगर वनडे मैच है तो 8 बजे आप रिपोर्ट कर देते हैं और 5 बजे तक तो भी ग्राउंड पे रहते हैं, 5 से 6 बजे भी कभी कभी घर पहुंचने को 6 भी बज जाते। तो ये अगर आपका शेड्यूल है तो सपोर्टर आप बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रख के पहने कि कैसे पहनते हैं। और कंसीडरिंग हम सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, तो सेंट्रल इंडिया में जहाँ गर्मी बहुत होती है वहाँ पे थोड़ा अलग तरीका है पहनने का। जब मैं मैचेस के लिए मुंबई गया था तो मुझे रैशेज हो गए थे, बहुत रैशेज। फर्स्ट टाइम जब मुंबई गया था मैं मैचेस खेलने, अब तो रेगुलर में जाता हूँ, पर फर्स्ट टाइम में मुझे बहुत रैशेज हो गए। रैशेज होने के बाद में मुझे खेलना ही नहीं हो रहा था, स्किन एक दूसरे को घस रही थी और बहुत तकलीफ में मेरे को बॉलिंग डालनी पड़ी थी। पर बाद में मुझे ये समझ में आ गया कि सपोर्टर पहनने का सही तरीका क्या है बहुत। और ठंडी में जब भी मैं क्लाइमेटिक कंडीशन जा ठंडी एरिया में जाता हूँ, जैसे हिमाचल हो गया या उत्तराखंड हो गया स्पेसिफिकली, उधर साइड में जैसे ठंडी वाली एरिया है, चंडीगढ़ गए थे हम, तो वहाँ पे सपोर्टर जितना अलग तरीके से पहनते हैं सपोर्टर और वो टाइट्स जो पहनते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले अपना अभी क्या पहना है सपोर्टर में, कैसे पहना है वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने ये व्हाइट कलर का सपोर्टर पहना है, और सपोर्टर इधर से गार्ड डाल सकते हैं अपन, ये गार्ड डालने के लिए स्पेस है। और ये टाइट्स पहना है, नीचे इसके टाइट्स पहना है, नाइकी का, नाइकी प्रो करके ये टाइट्स है, डिस्काउंट में मिला था मुझे 900 रुपीज़ का। आप जनरली 2000 रुपीज़ के आसपास आता है और बहुत वेरियस टाइप्स के भी आते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सपोर्टर मैं ऊपर पहनता हूँ। बहुत सारे जो जनरल में मिस्टेक्स करते हैं, जो यंगस्टर मिस्टेक करते हैं, वो चड्डी पे सपोर्टर पहनते हैं। चड्डी पे सपोर्टर पहनने से क्या होता है कि जब आप धूप में दिन भर प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें भी पसीना, सपोर्टर में भी पसीना आता है और चड्डी में भी पसीना आता है। ये जो टाइट्स है ये पसीना सोख लेता है गाइस, और ये रैशेस होने से बचाता है आपको। अभी मैं एक टीगो कंपनी का भी ये टाइट्स पहनता हूँ, चड्डी जैसा लगता है पर चड्डी नहीं रहता है, स्पेसिफिकली अंडर गारमेंट है, पर वो एकदम पसीना सोखता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत वेरियस टाइप्स है, उसमें अलग अलग कंपनी भी प्रोवाइड करती है, प्यूमा, नाइकी, एडिडास। और अभी मैंने देखिए कि हाफ ही पहना है, पर जब मुझे पता है कि ठंडी है, बॉडी गर्म करने के लिए समय ज़्यादा लगने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये टाइट्स, यहाँ जो टाइट्स है नीचे तरफ पहन लेता हूँ और उसके ऊपर मैं सॉक्स पहन लेता हूँ। तो इससे क्या होता है गाइस कि आपके अंदर हवा जाने का मौका नहीं मिलता है। तो गर्मी में तो आपको थोड़ा सा हवा जानी चाहिए, एयर जानी चाहिए, इसलिए हाफ पहन सकते हैं। ठंडी जहाँ ठंडी वाली एरिया है वहाँ पे आप ज़्यादा लंबा पहन सकते हैं, टाइट पहन सकते हैं, तो उसके ऊपर सपोर्टर पहने, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मैंने ये भी कोशिश की थी कि सपोर्टर मैंने फुल वाले, ये ऐसे लंबे वाले ट्राई किए थे, जैसे मेरा टाइट्स है वैसे वाले भी सपोर्टर ट्राई किए थे, पर वो मुझे ज़्यादा सूट नहीं हुए। वो सपोर्टर में मेरे को, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो गार्ड है वो हिल रहा है, बैटिंग करते वक्त हिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ये सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर पसीने रिगार्डिंग या रैशेस रिगार्डिंग ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। और साथ में ही एक पाउडर ले लीजिए, रैशेस के लिए पाउडर आता है, कैंडिड वगैरह बहुत सारे पाउडर्स आते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरी मेडिकल भी है, और मेडिकल मैं फार्मासिस्ट टू रजिस्टर एजुकेशन वाइज, तो वो यूज़ करता हूँ। बहुत बार
वो अंदर डालता हूँ पाउडर, क्योंकि तो जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे पाउडर डालना रेगुलर में, जहाँ पे आप लंबे समय तक आप खेलने वाले या रेगुलर मैचेस खेलने वाले, हफ्ता भर लगातार मैचेस खेलने वाले, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। इसके वजह से एक एकेडमी में हमारे अभी एक लड़का काफ़ी दिन से 10-1 दिन से प्रैक्टिस नहीं किया, जस्ट बिकॉज बहुत रैशेस बढ़ गए थे और वो चड्डी पे सपोर्टर पहनना था, इसलिए ये टॉपिक मैंने बनाया। आई होप कि बहुत सारे लड़कों को ये टॉपिक से फ़ायदा मिला होगा, स्पेशली यंगस्टर्स को जो नया नया अभी शुरू कर रहे हैं क्रिकेट, ये टॉपिक से आपको अगर फ़ायदा मिला है तो अपने दोस्तों के साथ, यंगस्टर्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना है गाइस, जल्दी मिलते हैं, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।